इंसानियत अब भी जिंदा है और इस बात पर आपको यकीन हो जाएगा जब आप हमारी ये खबर सुनेंगे। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात की जेल में बंद एक 45 वर्षीय भारतीय को साल 2012 में सड़क दुर्घटना मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जेल में बंद बेक्स कृष्णन नाम के शख्स को NRI बिजनेसमैन MA यूसुफानी ने बचा लिया। उन्होंने मुआवजे के तौर पर करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने में कृष्णन की मदद की। आपको बता दें कि केरल के रहने वाले कृष्णन को UAE सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। उन्हें सितंबर 2012 में एक युवा सूडानी लड़के की हत्या करने का दोषी पाया गया था, जब वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे और बच्चों के एक ग्रुप से उनकी गाड़ी टकरा गई थी। इसके बाद से उनके परिवार और दोस्तों ने कृष्णन की रिहाई के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। पीड़ित परिवार सूडान वापस जा चुका था और बातचीत या फिर माफी के सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। कृष्णन परिवार ने तब लुलू ग्रुप के अध्यक्ष यूसुफानी से संपर्क किया, जिन्होंने मामले के बारे में जानकारी इकट्ठा की और सभी स्टेक होल्डर से संपर्क किया। आखिरकार जनवरी 2021 में सूडान में पीड़ित परिवार कृष्णन को माफी देने के लिए तैयार हो गया। लुलू ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि इसके बाद यूसुफानी ने अदालत में मुआवजे के रूप में 5 लाख दिरहम यानी करीब 1 करोड़ का भुगतान किया। आबू धाबी की अल बतवा जेल में भारतीय दूतावास के अधिकारियों से बात करते हुए कृष्णन भावुक हो गए। उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक पुनर्जन्म की तरह है, क्योंकि मैंने बाहरी दुनिया को देखने की सारी उम्मीदें खो दी थी। कृष्णन ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने परिवार से मिलने के लिए उड़ान भरने से पहले एक बार यूसुफानी से मिलूं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।